है देखना आप सब लोग 11 तारीख को मिलोगे तो बताना कैसे एक तो कास्टिंग के लिए तारीफ करने के लिए थैंक यू और बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये हमारे ऐसे हीरोज़ हैं जो कि बड़े से बड़ा काम भी करते हैं देश के लिए तो भी उनको सामने रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता वो मीडिया में नहीं आ सकते तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसा शो बना पा रहे हैं कि कम से कम उनको एक इज्जत तो नहीं मैं बोल सकता हम लोग इतनी हैसियत नहीं कि हम उनको इज्जत दें बट उनको एक पहचान और एक लोगों को पब्लिक को जनता को बताने के लिए कि देखो हमारे बीच में कितने बड़े हीरोज़ हैं कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग हैं जिनको हम पहचानते नहीं वो आपके बीच में से कोई एक है जिसको आप जानते नहीं होगे कि ये है हो सकता है जो आपके पीछे खड़ी हैं वो आईबी में हो है ना तो उनको एक पहचान देने के लिए पहचान भी नहीं बोलूँगा आई थिंक गलत शब्द बोल रहा हूँ मैं बट उनके लिए ये शो है और पब्लिक को भारत की जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो इस देश को सेफ रखने का काम करते हैं और उनको कोई भी उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिल सकता और ये बात वो जानते हैं ना अवार्ड ना रिकग्निशन और स्पेशली आज के दौर में हम जो भी करते हैं हम सोशल मीडिया पे डालते हैं या इसलिए करते हैं ताकि कुछ लोग देखें और उसकी तारीफ करें हमारे देश में नहीं बाहर भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं सैक्रिफाइस करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते हैं सर्विस के लिए और उनके काम में ही ऐसी चीज़ होती कि वो ना सामने आ सकते हैं ना क्रेडिट ले सकते हैं ना कोई उन्हें क्रेडिट देता इनफैक्ट यू बी वेरी सरप्राइज्ड जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग शहीद भी होते हैं तभी भी उनको रिकग्निशन नहीं मिलता एक सिर्फ मेडल मिलता है उनकी फैमिली मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगा अब तक जो भी कैरेक्टर मैंने प्ले किया है ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है क्योंकि देखिए हम अगर अग्रेसिव होते हैं तो वो अग्रेशन दिखा देते हैं हम अगर अथॉरिटेटिव होते हैं वो दिखा देते हैं रवि वर्मा ऐसा कैरेक्टर है ये सब होने के बावजूद एक ह्यूमैनिटी एक वल्नरेबिलिटी और अपनी अच्छाई को कभी नहीं भूलता और वही तीनों चीज़ दूसरों में भी ढूंढते रहता है और वो कोशिश ये करता है कि किसी भी तरीके से कुछ भी तरीके से किसी का भी नुकसान ना हो कोई ना कोई या अपने हाउ डू आई से इट विदाउट गिविंग आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर वो कोई ऑपोजिट एजेंट को भी पकड़ता है वो ये कोशिश करेगा कि कैसे इस एजेंट को हम यूज़ करें और उसे ख़त्म ना करें एक्साइटेड टू सी यू एंड अब तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो क्लिप्स आपने शेयर की है अपने सोशल मीडिया पर वो बता रहा है कि कितनी मेहनत की है आपने अपने पर्टिकुलरली इस किरदार के लिए टेल अस लाइक
असल में इस किरदार के लिए मैंने जितनी मेहनत की है, इस पूरे शो के लिए सब उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। ये एक पहला ऐसा शो है जिसमें मैं देख रही हूँ कि हर एक एक्टर इंटेंसली इन्वेस्टेड है शो में। हमारे जो डायरेक्टर भी हैं वो बहुत ही मेहनत करके शो की स्टोरी लाइन को इस हद तक फैक्ट्स के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जब देखें तो आपको लगे कि हाँ, दिस इज़ समथिंग वेरी रियल जो आप विटनेस कर रहे हैं। इट इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी ऑनेस्टली। अब बात अगर मेरी है तो हाँ, मैं एक सर्जरी के फेज़ से गुजरी और मैंने अपने आप को अच्छे से प्लान किया कि मैं किस तरह से उस फेज़ से, जब मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रही थी, वहाँ से आई कैन परफॉर्म वेल इनफ टू जस्टिफाई पार्वती, क्योंकि बहुत ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे डाली सचिन जी ने, और मैं चाहती थी कि फुल जस्टिस कर पाऊँ। सो यस, आई बाउंस्ड बैक एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट द जर्नी दैट आई हैव डन। मतलब एक्शन फुल ऑन देखने मिलेगा आपको? मांग मांग के ले रही हूँ एक्शन।